नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी, आप देख रहे हैं विव इंडिया न्यूज। आती जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के बगहा क्षेत्र से आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विव इंडिया न्यूज, मैं हूँ शशिकांत गिरी। आज मैं पहुँचा हूँ पश्चिमी चंपारण के नगर परिषद क्षेत्र बगहा वार्ड नंबर 1 में। एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूँ जो किसी परिचय का मोहताज नहीं, उनका अपने आप में एक पहचान है, सारी दुनिया उनको जानता है। चलिए उन्हीं की जुबानी उनसे मिलते हैं और उनके बारे में हम जानते हैं। सर, आपका शुभ नाम? ओम प्रकाश साहब, और पिताजी का नाम रामाशंकर साहब, और हम मलकोली के रहने वाले हैं, वार्ड नंबर 1 के रहने वाले हैं। हम शुरू में टमटम चलाते थे। जी जी, बहुत अच्छी बात है। सर गरीब है, आप देख रहे हैं चेहरे से, आपको पता लग रहा है कि गरीब है, लेकिन हम बताते हैं सर, ये टमटम चलाते थे या टेम्पू चलाते थे? सर तो वो टमटम और टेम्पू चलाते थे, लेकिन अभी जो है सर, आप जो वार्ड में लड़े हुए हैं, वार्ड पार्षद का चुनाव लड़े हैं, क्यों लड़े हैं वार्ड पार्षद का चुनाव? मैं इसलिए लड़ रहा हूँ कि मैं एक माँ वैष्णो का भक्त हूँ। मेरा तमन्ना यही है कि मैं जीत जाऊँगा तो सबसे पहले निर्माण अपने मलकोली वार्ड नंबर 1 में माँ वैष्णो का सतवंती का मंदिर बनवाऊँगा। उसके बाद जो हमारे धर्म में आएगा उसको सबको समाधान करूँगा। मेरे नगर में जो भी कमी है उसका पूरा करूँगा। रह गया बात कि मैं गरीब हूँ, मैं कहूँगा तो कोई दुनिया वाला नहीं मानेगा। जब हमारे पास शस्त्र आएगा तो अस्त्र हमारा कोई नहीं रोक पाएगा। समय के अनुसार कोई काम का परिवर्तन होता है। हम झूठ क्यों बोले, हम तो एक सच माँ वैष्णो का भक्त हूँ। उसके बाद समय से अनुसार हमारे यहाँ पानी, जब बारिश होती है तो पानी लग जाता है, नाली है सफाई नहीं होता है। यानी नाली की व्यवस्था आपके यहाँ बढ़िया नहीं है? नहीं, अच्छा, बढ़िया नाली का कोई व्यवस्था नहीं है, बरसात में पूरा पानी सड़क पे भर जाता है। पानी, अच्छा, बोलिए सर। उसके बाद रह गया बात कि हमारे यहाँ जो भी काम होता है सही रूप से नहीं होता है, होने पे कोई हमारा जनता खुश नहीं रहता है। खुश रहेगा कब, कि जो भी काम हो सच ईमान से हो, सच कर्म से हो, तो जनता क्यों नहीं खुश होगा। आज हम चुनाव लड़ रहे हैं, अपने बदौलत नहीं लड़ रहे हैं, हमारे जनता की बदौलत चुनाव लड़ रहे हैं। हम एक गरीब आदमी चुनाव लड़ने लायक नहीं है, लेकिन इस राह में हमारे जनता ने हमको खींच लाया और मैं चुनाव इसलिए लड़ रहा हूँ कि अगर जीत जाऊँगा तो सबसे पहले अपना कर्तव्य निभाऊँगा, जिसका प्रतिबंध किया हूँ पिपरा दोन हथी मई में जाकर। मैं वहाँ तीन बदौलत नहीं लड़ रहे हैं, हमारे जनता की बदौलत चुनाव लड़ रहे हैं। हम एक गरीब आदमी चुनाव लड़ने लायक नहीं है, लेकिन इस राह में हमारे जनता ने हमको खींच लाया और मैं चुनाव इसलिए लड़ रहा हूँ कि अगर जीत जाऊँगा तो सबसे पहले अपना कर्तव्य निभाऊँगा, जिसका प्रतिबंध किया हूँ पिपरा दोन हथी मई में जाकर। मैं वहाँ तीन वचन लिया हूँ, वो तीन वचन का निभा कर मैं माँ वैष्णो का मंदिर बनवाऊँगा और अपने दुनिया में अपने गांव वाले अपने नगर को सुख शांति का जो भी काम आएगा मैं सुख शांति से करूँगा, उसमें कोई बाधा नहीं आने दूँगा। ये मेरा वादा है और मैं माता का भक्त हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, जो करूँगा सच ही निर्णय करूँगा, उस निर्णय का जो समाधान आएगा मैं पूर्ति करके जनता को दिखाऊंगा। बहुत अच्छा सर, कहीं ना कहीं माँ के भक्त हैं, माता रानी के भक्त हैं, और इनका श्रद्धा, इनका जो विश्वास है, इनका आस्था है माँ में है। सर हमारे कुछ लोग बैठे हैं, थोड़ा कैमरे घुमाइए उधर। सर हम जानना चाहेंगे, आप इनका साथ दे रहे हैं? दे रहे हैं। तो क्यों दे रहे हैं सर, इनका साथ देने का आपका मकसद क्या है? सर साथ देने का मकसद ये है कि हम लोग 7 साल से कुंवारी खिला रहे हैं और 7 साल से भंडारा कर रहे हैं, 7 साल हम मिल के एक लगे बैठे हैं, उठे हैं, सब कुछ एक साथ करते हैं, इसीलिए थोड़ा सा तमन्ना उठ गया जो चलो भाई हम लोग थोड़ा सा अपना इनकामना पूरा करें। इसमें खड़ा जनता के कहने पर हम लोग इसमें खड़ा हुए हैं और जनता के कहने पर खड़ा हुए हैं और जनता के कहने पर काम भी हम लोग करेंगे, बस अरे हम। सात कन्या नौ कुमारी तीन नेत्र कालिका सातवां साल ओम प्रकाश साहु जय माँ वैष्णो। हमारे नगरवासियों के कहना ये है कि अब की बार हमारे नगर में
ढोलक छाप बजेगा और खूब बढ़िया से बजेगा, जैसे कि हम हैं गरीब और माता का भक्त है। माता के भक्त को कभी निराशा नहीं होता है। तो ये निराशे पे हम अपने गांव वाले को एक आशा दिए हैं कि जीतने के बाद जो धर्म होगा वो सच्ची ईमान से और सच कर्म से निभाएंगे और ये अपने जनता को जो जो काम करेंगे नई काम करके दिखाएंगे, जो कोई नहीं किया होगा वो ओम प्रकाश करके दिखाएगा। ये मेरा माँ वैष्णो का वादा है। सात कन्या नौ कुंवारी तीन नेत्र कालिका सातवां साल ओम प्रकाश साव जय माँ वैष्णो। कौन छाप है बताइए आपका? ढोलक छाप, वार्ड नंबर 1 ढोलक छाप।